तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको चार नया स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूं जो कि धमाकेदार स्मार्टफोन है और इसी महीने में लॉन्च किया जा रहा है। चारों फोन का लॉन्च डेट ऑफिशियली कंफर्म हो गया है। तो अगर आप जानना चाहते हैं ये चारों फोन कौन सा है, क्या प्राइस में आ रहा है और क्या कुछ फीचर्स आपको मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि इनमें से कोई भी एक फोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। सबसे पहले स्टार्ट करते हम लोग पोको से। तो आपको शायद याद होगा मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पोको एक नया स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च कर रहा है, ट्वीट करके हमें एक वीडियो पोस्ट करके बताया था। तो पोको शायद ये पोको एक्स 4 प्रो इंडिया पे लॉन्च कर रहा है जो कि 5G स्मार्टफोन है और लीक्स होकर इसका लॉन्च डेट भी निकल के आ चुका है। 22 मार्च को इस फोन को इंडिया पे लॉन्च किया जाएगा, ऐसा लीक्स होकर निकल के आ रहा है। और यहां पर पोको एक्स 4 प्रो जो 5G वाला वेरियंट है, ये ग्लोबल वेरियंट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, बट ग्लोबल में जो लॉन्च हुआ है और इंडिया पे लॉन्च होगा जो, वहां पर थोड़ा फीचर्स आपको डिफरेंस मिलेगा। ग्लोबल में आपको जो है 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिला था, बट इंडिया पे 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर इंडिया पे कुछ चेंज किया जा रहा है और क्या कुछ फीचर्स मिल सकता है मैं आपको बताता हूं। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पर 6.67 इंच का एक एमोलेड स्क्रीन मिले 120 हर्ज का रिफ्रेश रेट के साथ, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का चिपसेट मिल सकता है, इसके साथ 5000 mAh बैटरी और साथ में 67 वाट का फास्ट चार्जिंग वगैरह आपको इस फोन में देखने को मिल सकता है। तो 22 मार्च को ये फोन शायद इंडिया पे लॉन्च हो जाएगा, लीक्स होकर निकल के आया है। नेक्स्ट फोन की बात करें तो आ जाता है रेडमी की तरफ से, रेडमी 10 जिसका ऑफिशियली टीजर पेज फ्लिपकार्ट में आ चुका है। 17 मार्च को इस फोन को इंडिया पे लॉन्च किया जा रहा है और ये फोन 10 से 11 हजार के आसपास प्राइस रेंज में आपको इंडिया पे देखने को मिलेगा, जहां पर आपको 680 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 6nm चिपसेट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ यहां पर 6.7 इंच का एक HD+ रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिलेगा, 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा, 18 वाट का आपको चार्जर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यहां पर 50 MP ड्यूल रियर कैमरा आपको जो है इस फोन में देखने को मिलेगा। तो फ्लिपकार्ट में ये फोन 17 मार्च को लॉन्च हो रहा है। अब ये फोन आपको कैसे लगा कमेंट में बताना। बाकी नेक्स्ट फोन की बात करें तो वो है रियलमी की तरफ से, रियलमी नार्जो 50 ये प्राइम। पिछले एक वीडियो में बताया था कि ये फोन बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा, तो फाइनली इसका भी लॉन्च डेट कंफर्म हो गया है। 22 मार्च को इस फोन को ऑफिशियली लॉन्च किया जा रहा है और इसका जो फर्स्ट लुक है वो आपके सामने है। कैसा लग रहा है भाई अच्छे से बताना देख के, क्योंकि इसका जो डिजाइन है रियलमी C35 से थोड़ा सा मैच करता है जो कैमरा पैनल है, बाकी जो नीचे का हिस्सा है ये थोड़ा सा अलग किया है। तो यहाँ पर पोको का कॉपी किया है ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर कुछ नया डिजाइन है ऐसा भी कह सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो कैमरा सेंसर मिलेगा वो ट्रिपल रियर कैमरा आपको बैक साइड में देखने को मिल रहा है। 50 MP का ट्रिपल रियर कैमरा इस फोन में दिया जाएगा, 6.6 इंच का FHD+ रेजोल्यूशन वाला वाटर ड्रॉप नोज डिस्प्ले इस फोन में दिया जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। ये दो फीचर्स जो है टीजर पेज देख के ही हमें पता चल रहा है। बाकी दोस्तों और कुछ फीचर्स जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है इस फोन का रैम और इंटरनल स्टोरेज, 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये फोन लॉन्च होगा। इसके साथ 5000 mAh का बैटरी दिया जाएगा, 18 वाट का आपको फास्ट चार्जिंग इस फोन में देखने को मिल जाएगा, 16 MP का सेल्फी कैमरा होगा वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। और इसी के साथ इस फोन का बैक साइड में तो फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, मतलब साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर इस फोन में मिलेगा। अब बात है इस फोन का चिपसेट का, तो गाइस यहां पर कंफर्म नहीं हुआ है कि यहां पर कौन सा चिपसेट यूज किया जाएगा। शायद यहां पर यूनिसोक का चिपसेट हो सकता है या फिर कोई क्वालकॉम या फिर कोई मीडियाटेक का चिपसेट हो सकता है, बट ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। फिलहाल अभी 22 मार्च को इस फोन को इंडोनेशिया में लॉन्च किया जा रहा है, बहुत ही जल्द रिसेंटली इंडिया का भी लॉन्च डेट कंफर्म हो जाएगा और जब लॉन्च डेट कंफर्म हो जाएगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अब नेक्स्ट फोन की बात करें तो आ जाते हैं आईक्यू की तरफ से, वीवो का सब ब्रांड आईक्यू, और आईक्यू एक नया स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च कर रहा है जिसका टीजर निकाल दिया है, आईक्यू Z6 5G। बेसिकली ये फोन आईक्यू Z5 5G का एक अपग्रेडेड या फिर सक्सेसर कह सकते हैं और इस फोन का लॉन्च डेट भी निकल के आ चुका है लीक्स होके। 16 मार्च को इस फोन को इंडिया पे लॉन्च किया जा रहा है जो कि 15000 के आसपास आएगा और ये एक 5G फोन होगा। और कहा यह जा रहा है कि ये फोन वीवो का T1 5G जो आया है उसी को रिब्रांड करके आने वाला है। यहां पर कुछ अलग डिजाइन आपको देखने को मिल सकता है, साथ में सेम मुझे लगता है फीचर्स वगैरह देखने को मिलेगा। तो यहां पर एक FHD+ रेजोल्यूशन डिस्प्ले दिया जाएगा जहां पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ कहा यह जा रहा है कि यहां पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का चिपसेट देखने को मिल सकता है जो कि एक 5G चिपसेट है। इसके अलावा दोस्तों और क्या कुछ फीचर्स मिलेगा ये अभी तक तो निकल कर नहीं आया है, बाकी पता चल जाएगा 16 मार्च को यह फोन इंडिया पे लॉन्च हो रहा है जिसका लॉन्च डेट लीक्स होकर निकल के आया है।
है। तो रिसेंटली ये कुछ स्मार्टफोन, मतलब चार स्मार्टफोन आपको इंडिया पे लॉन्च होते देखने को मिलेगा। अब इनमें से कौन सा फोन आपको ज्यादा बेहतर लगा, कौन सा फोन का वेट कर रहे हैं, कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताना। बाकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।